हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो न्यू बैच हमने स्टार्ट किया था, यानी दोबारा से हम आपको मैथ्स और साइंस पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो जिसमें हमारा 7th स्टैंडर्ड मैथ्स का ऑलरेडी 3 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया था, 14th चैप्टर हमारा चल रहा था, काफी बड़ा चैप्टर है, लगातार आपके लिए वीडियोस हम बना रहे हैं। तो इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 आज मैं लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल। तो इसके पहले कई सारे लेक्चर्स हमने बना दिए हैं, यानी छठवां लेक्चर आज है, तो यानी 5 लेक्चर्स इस टॉपिक के ऊपर, 5 वीडियो अब तक बन चुके हैं इसी टॉपिक के ऊपर, एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे अभी तक तो देख लो। वैसे तो पूरा एंटायर सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ा के ऑलरेडी एक बार हमने रखा हुआ है, जो पूरे डिजिटल बोर्ड के पहले हमारे पास जब व्हाइट बोर्ड हुआ करता था तो उसमें हमने सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा दिए। लेकिन इस साल जब हमने दूसरी बार जब हमने आपको पढ़ाने का विचार किया, तो हमने सोचा कि क्वालिटी बढ़ाया जाए, इसीलिए हमने आपके लिए डिजिटल बोर्ड परचेस किया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, ताकि आप लोग के लिए बेटर क्वालिटी और हम लेके आ सके। तो प्लीज़ इस जर्नी में हमें सपोर्ट करना, और अपने सभी दोस्तों को, जो भी आपके महाराष्ट्र में फ्रेंड्स होंगे, अलग अलग जगह रहते होंगे, उन सभी को ये वीडियो शेयर करके बता देना कि राहुल सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर से अप्रिशिएट करें, एंड प्लीज़ ये सभी वीडियोज़ को पहुँचाएँ अपने दोस्तों तक, ताकि हर एक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके। तो चलिए, लेक्चर नंबर 6 में हम क्या देखने वाले, देखो बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है बेसिकली, वो होने वाला है एक्सटीरियर के ऊपर, माफ करना, वर्टिकली अपोजिट के ऊपर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लाइन है जिसका नाम है PT, और यहां पे एक लाइन है जिसका नाम है RS या फिर SR। ये दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे एंगल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक एंगल्स यहां बनते हुए नजर आ रहा है, एक एंगल्स यहां बनते हुए नजर आ रहा है, एक एंगल यहां बनते हुए नजर आ रहा है, तो एक एंगल यहां पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब आपको एंगल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन, बिकॉज ऑफ द जॉइनिंग ऑफ द टू लाइन्स। ये आपको पता चल गया। अब होता यह है कि यहां पे जब आपने देखा कि बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि द एंगल फॉर्म्ड बाय द अपोजिट रे ऑफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी अपोजिट एंगल। अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इसी के एकदम एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट ये एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब एक एंगल के एकदम सामने, यानी उसके एग्जैक्टली अपोजिट, उसके जैसा ही एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अपोजिट हो जाएंगे। वैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को क्या बना देंगे, अपोजिट बना देंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमेशा याद रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी मान लो कि अगर ये एंगल आपका जो है वो अगर है 80 डिग्री का, तो ये भी एंगल होगा 80 डिग्री का। ये एंगल अगर है 60 डिग्री का, तो ये वाला एंगल भी होगा 60 डिग्री का। यानी कहने का मतलब क्या है कि द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, आर कॉन्ग्रुएंट इन नेचर, वी कैन से दैट। तो द वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म्स व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट आर ऑफ इक्वल मेजर। क्या बोला मैंने अभी अभी, इक्वल मेजर, यानी मेजरमेंट इसका इक्वल होता है, बराबर होता है, समझ में आ गया। और एक चीज इसी में अगर आप देखोगे, जो कि मैं बताना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि ये एक लाइन, ये एक लाइन, तो जिसके वजह से आपको ये एंगल और ये एंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट बन गए, यानी इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन एक और चीज इसी में छुपा हुआ है, जो कि जिसके बेस पे हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो मान लो कि आपको ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोला रहेगा ये वाला बाजू वाला जो एंगल दिख रहा है, ये फॉर्म करो, ये फाइंड आउट करो। एक सेकेंड बताता हूं मैं। जैसे आपको ये एंगल दिया हुआ है और आपको पूछ दिया कि ये एंगल निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहां पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, और ये एक लाइन सेगमेंट है, जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस कहां पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कर रहे हैं, जिसका पॉइंट का नाम समझ लो ओ होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एंगल एक बन रहा है, तो ये भी एंगल एक बन रहा है, और ये एंगल उसके बगल में है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है इसके पहले के लेक्चर्स में, कि मान लो कोई भी लाइन है और कोई भी एंगल अगर जा रहा है इस तरीके से, कोई भी एंगल इस तरीके से बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल को अगर प्लस कर दिया जाए, तो दोनों को प्लस करके क्या बनता है, 180 डिग्री। बिकॉज वी नो दैट कि इफ अगर उसके अपोजिट आर्म स्ट्रेट है, जैसे यहां पे अगर आप देख रहे हो, यहां से लेके यहां ये लाइन, और यहां से ले यहां ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और उसी पे एक लाइन आ रहा है,
तो हमेशा ये क्या बनाता है, ये एंगल और ये एंगल बाजू बाजू के जो एंगल से वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। और हमेशा हमको पता है कि जो एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर में, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर में है, बगल बगल में है, बिकॉज इसका अपोजिट और इसका अपोजिट स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, तो लीनियर पेयर में है। इसका मतलब ये एंगल लीनियर पेयर में है, मतलब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो प्लस करके क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये दोनों फंडे आपको याद रखने, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ाया है इसके पहले के लेक्चर्स में भी लीनियर पेयर क्या होता है, लेकिन मेन फंडा ये है वर्टिकली अपोजिट का। अब ये दोनों की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हो प्रैक्टिस सेट नंबर 20, ये है क्या प्रैक्टिस सेट नंबर के एग्जांपल्स, 20 के एग्जांपल्स कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं समझते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये डायग्राम आपको देखने मिल रहा है, यहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन है DB नाम का और उधर से इसको क्रॉस करके एक लाइन जा रही है AC नाम का, पॉइंट P पे ये क्रॉस हो रहा है, ठीक है, बोल रखा है। तो लाइन AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, ठीक है। एंगल APD इज 47 डिग्री, तो APD किधर है, ये रहा A, P और D, यानी ये वाला जो एंगल है ये आपको कितना दिया है, 47 डिग्री जो है वो दे रखा है हमें, यहां पे उन्होंने दे रखा है। हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB, यानी कि कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला आपको निकालना है APB, उसके बाद आपको देखो BPC बोला है, यानी ये वाला एंगल भी निकालना है, और उसके बाद लास्ट में CPD यानी ये वाला एंगल भी निकालना है। यानी सिर्फ चार एंगल में से सिर्फ एक एंगल दिया और बाकी हर एक एंगल आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, सेम वही फंडा बच्चा, सोचो कैसे कर सकते हो, ध्यान देना। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिखो, क्या दिया हुआ है बच्चा, अगर आप ध्यान दोगे तो हमें बोल रखा है क्वेश्चन में भी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी डी इज गिवन एज 47 डिग्री, इट इज गिवन, ऐसा आप लिख सकते हो, इट इज गिवन, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब इसके बाजू का ही एंगल अगर आप देखोगे जिसका नाम है एंगल ए पी बी, जो हमें फाइंड आउट भी करना है, देखो यहां पे फाइंड आउट करना है ना, तो ये एंगल ए पी बी की अगर मैं बात करूं, तो एंगल ए पी बी अगर मैं इसकी बात करूं, और ये एंगल जो पहले वाला है जिसका नाम है एंगल ए पी डी, ये दोनों क्या है, अगर आप देखोगे तो एंगल ए पी बी जो है, और इसके पहले लिख दो यहां पे, इसको थोड़ा सा बाद में लिखो, इसके पहले लिख दो कि एंगल इसका नाम क्या है, ए पी डी ना, एंगल ए पी डी, एंड ये तो एंगल ए पी डी जो 47 दिया है वो तो है ही, लेकिन इसके बाजू वाला जो जस्ट यहां पे आप देख पा रहे हो जिसका नाम है एंगल ए पी बी, ये वाला, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या है, एंगल ए पी डी एंड एंगल ए पी बी आर इन लीनियर पेयर। ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, दिखता हुआ नजर आ रहा है डायग्राम के हिसाब से। देखो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से एक यहाँ पे लाइन आर्म जो है वो निकलती हुई, ये पूरा स्ट्रेट बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या बनाएगा, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा। तो इसके आधार पे ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए पी डी प्लस एंगल ए पी बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी डी का वैल्यू क्या है, हमारा ए पी डी का वैल्यू दिया हुआ है हमें 47 डिग्री, प्लस एंगल ए पी बी का वैल्यू मैं जानता नहीं हूं, इसका तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो मैं ए पी बी का वैल्यू निकाल सकता हूं, ये 47 180 के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए पी बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 47, कितना हो जाएगा भाई, 180 में से 40 माइनस करो 140, 140 में से 7 माइनस करो 133 आ जाएगा। देयरफॉर एंगल ए पी बी का जो वैल्यू आ गया 133 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर मतलब इसी क्वेश्चन का जो एक सवाल जो हमें पूछा था कि एंगल ए पी बी का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो हमने एंगल ए पी बी का वैल्यू निकाल दिया 133 डिग्री। तो एक चीज हमने फाइंड आउट कर लिया, एक चीज हमने क्या कर दिया बच्चा, फाइंड आउट जो है वो कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला बढ़ो, ये हो गया, ये हमने निकाल दिया, अब इसकी बारी है, ठीक है, ये हमने निकाल दिया, काम खत्म। अब किसकी बारी है, इसकी बारी है, जिसका नाम है पी बी सी, बराबर बी पी सी, ठीक है ना, यही नाम है ना इसका, बी पी सी। तो हम निकालेंगे बी पी सी। अब बी पी सी कैसे निकालोगे, अगर आप ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो यहां पे, ये एंगल जिसका नाम है एंगल ए पी डी, उसी के एग्जैक्टली अपोजिट, देखो ये एंगल 47 का, इसके एग्जैक्ट अपोजिट ये एंगल है बीपीसी, बीपी वाला एंगल, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट कि अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल लेंथ का होता है, इक्वल मेजरमेंट का होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो हम लोग सेकेंड वन निकाल रहे हैं, ठीक है ना, सेकेंड वन क्या निकाल रहे हैं, बीपीसी, तो यानी एंगल बीपीसी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एपीडी, एंगल एपीडी क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ, लिखो यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल,
लिख दिया, आप शॉर्टकट में वी ओ ए लिख सकते हो, वी डॉट ओ डॉट ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन ज्यादातर ये लिखना, पूरा पूरा लिखोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। हम लोग शॉर्टकट में वी ओ ए लिखते थे हमारे स्कूल्स वगैरह में, तो हमारे मार्क्स नहीं कटते थे, कोई बात नहीं, टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो गया। अब बीपीसी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, तो बीपीसी जो है इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो एंगल बी पी सी विल बी इक्वल टू एपीडी, तो एपीडी क्या है, एपीडी का वैल्यू 47 डिग्री है, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल गया कि एंगल बीपीसी का जो वैल्यू आया, यानी सेकंड वाले का जो पूछा था उसका वैल्यू भी हमने निकाल दिया 47 डिग्री, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, दो चीज निकाल दिया। अब एक तीसरा चीज पूछा है एंगल सीपीडी निकालो, तो एंगल सीपीडी निकालेंगे हम लोग, थर्ड वन, एंगल सीपीडी, तो अगर आप ध्यान दोगे फिगर में, ये भी निकाल दिया, ये हमने कितना निकाल लिया, ये पहले कितना निकाल लिया, एंगल एपीबी का वैल्यू 133, मतलब ये वैल्यू जो है अगर आप देखो ध्यान से, ये वैल्यू कितना निकाला हमने, 133 डिग्री निकाला, ये वाला एंगल अभी अभी निकाल दिया, ये एंगल 47 डिग्री निकाल दिया, अब ये निकालना है, इसका नाम है सीपीडी, तो सीपीडी यानी ये एंगल अगर आप देखोगे तो इसके एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट कौन है, एपीबी, तो हम बोल सकते हैं अगर मुझे सीपीडी निकालना है तो सीपीडी निकालना है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा एंगल सीपीडी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, इसके वर्टिकली अपोजिट से जो कि है एपीबी, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ए पी बी से, बिकॉज सेम वैल्यू, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, तो इसके अनुसार एंगल CPD का जो वैल्यू आ जाएगा APB के बराबर, तो APB का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है हमने 133 डिग्री, ये वैल्यू हमें मिल गया। इस तरीके से तीनों के तीनों वैल्यू, APB का वैल्यू आ गया 133 डिग्री, BPC का वैल्यू आ गया हमारा 47 डिग्री, और इसका भी वैल्यू हमने निकाल दिया जो कि है 133 डिग्री। इस प्रकार से तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो एक ही क्वेश्चन में पूछे थे ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखो ध्यान से, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एम पे, ये पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें बोल रहा है कि एंगल एम पी आर का जो वैल्यू है वो है एक्स डिग्री, मतलब ये जो वैल्यू है ये हमें क्या दे रखा है, एक्स डिग्री दे रखा है, दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, ओके। हमें बोल रहा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एम एस, पी एम एस मतलब ये एंगल आपको निकालना है PMS, उसके बाद SMQ यानी ये एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल छोटा सा लिखता हूं, और QMR यानी QMR यानी ये वाला एंगल भी निकाल, मतलब इन शॉर्ट सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे आपका 47 डिग्री दिया था और इस क्वेश्चन में आपको x डिग्री दिया है, मतलब एक्चुअल में जो क्वेश्चन मतलब जो आंसर आएगा वो x के फॉर्म में आएगा क्योंकि कोई डिग्री दिया नहीं है, सिर्फ x बोल रहा है। तो चलो सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं बच्चा, सेम प्रोसेस, क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो चीज दिख रहा है क्या नाम है, एंगल, एंगल पी एम आर, इस एंगल का नाम एम है ना, तो ये क्या है एंगल पी एम आर, ये एंगल क्या है पी एम आर, ठीक है, तो एंगल पी एम आर और ये उसके बाजू वाला एंगल जिसका नाम है पी एम एस एंड एंगल पी एम एस, ये दोनों क्या है आर इन लीनियर पेयर, जो कि आप देख पा रहे होगे ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे एक आर्म, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बाजू बाजू के एंगल दोनों प्लस करके 180 डिग्री बनाएंगे, यानी लीनियर पेयर है, तो ये दोनों लीनियर पेयर में हैं, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल पी एम आर को अगर मैं प्लस करता हूं एंगल पी एम एस के साथ तो इनको मिला के मेरा 180 डिग्री का वैल्यू आएगा, तो पी एम आर का जो वैल्यू है वो तो मुझे पता है एक्स डिग्री दिया हुआ है, लेकिन पी एम एस का वैल्यू मुझे पता नहीं है, निकालना है, तो एंगल पी एम एस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, सेम टू सेम। अब मुझे ये निकालना है एंगल पी एम एस, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो एंगल आ गया पी एम एस का वैल्यू आ गया 180 माइनस एक्स डिग्री, क्या कोई वैल्यू नहीं है, बस यही है 180 माइनस एक्स, अगर एक्स की जगह पे जो भी वैल्यू डालोगे इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 180 माइनस एक्स डिग्री, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में वाई के फॉर्म में कैसे भी आने दो बच्चा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमएस निकाल दिया जो कि आ गया 180 माइनस एक्स, एसएमक्यू निकालना है, देखो एसएमक्यू क्या है, अब ये क्या है 180 माइनस एक्स है, लिख दो यहाँ पे 180 माइनस एक्स है, अब आपको निकालना है एसएमक्यू यानी एसएमक्यू यानी ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला आपको निकालना है, करेक्ट, ये वाला निकालना है, तो अब ये जो है एक्स के एग्जैक्टली अपोजिट है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, ये जो
SMQ जो हमें निकालना है, यानी एंगल SMQ जो हमें निकालना है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, इसके वर्टिकली अपोजिट, जिसका नाम है PMR। तो एंगल PMR से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने क्या लिख दिया? शॉर्टकट लिख दिया, आप लोग पूरा पूरा लिख देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो PMR का वैल्यू तो मैं जानता हूं जो कि एक्स है, तो एंगल SMQ का जो वैल्यू हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, एक्स निकलेगा। इस तरीके से हमने निकाल दिया ये वाले का वैल्यू भी, तो ये आ गया हमारा एक्स, एक्स डिग्री। अब सिर्फ इसको बाकी है, तो ये किसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, तो ये निकालना है हम लोग को, जिसका नाम क्या है, QMR। तो QMR निकालना है, ठीक है। तो थर्ड क्या निकालना है, एंगल QMR। तो ये एंगल QMR किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये QMR किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, उसके वर्टिकली अपोजिट, जिसका नाम है PMS। तो एंगल PMS से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमको पता है कि एंगल क्यू एम आर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, PMS के बराबर। तो PMS का वैल्यू है 180 माइनस एक्स डिग्री, तो 180 माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से भी हमने तीनों के तीनों जो एंगल्स पूछे थे ये हमने आराम से निकाल दिया। और इस तरीके से आप देख सकते हो कितना इजी प्रैक्टिस सेट था, विद इन कुछ ही मिनटों के अंदर हमने ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जो है ये भी पूरा होता है, बस एकमात्र प्रैक्टिस सेट रह गया। आई नो बहुत बड़ा चैप्टर था और हर प्रैक्टिस सेट के लिए हम अलग अलग लेक्चर्स ले रहे हैं, कोई बात नहीं, एक ही प्रैक्टिस सेट बचा, यानी एक लास्ट वीडियो, एक लास्ट लेक्चर वीडियो बहुत जल्दी मैं ला दूंगा, अगले दिन ही ला दूंगा, ताकि जो बचा कुचा कंसेप्ट और जो एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिस सेट 21 के वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, अगर ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।